आज हम देखेंगे एक पोयम जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जो हमें ये बताता है कि हमारे लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें हमें किसी दो ऑप्शन के बीच में एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, यानी कि हमें कोई निर्णय लेना पड़ता है कि हमें क्या करना है। तो उस वक्त हम किस तरीके से सोचते हैं, उस चीज़ को पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छे से इस पोयम में समझाया है। और इस पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन, यानी कि वो रास्ता जो नहीं चुना गया। पहले स्टैंजा में हम देखते हैं कि शायद हमारे जो पोएट थे वो कहीं जा रहे थे किसी रोड के ऊपर, तभी वो देखते हैं कि वो जो रोड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि दो अलग अलग दिशाओं में जाता है। और ये दोनों जो रास्ते थे, ये दोनों रास्ते एक घने जंगल की तरफ जा रहे थे। पोएट ने यहाँ पे येलो वुड का इस्तेमाल किया है। वुड का कहने का मतलब होता है कि एक घना जंगल, और येलो वुड इसलिए कहा है क्योंकि उस वक्त जब पोएट वहाँ पे थे तो उस वक्त ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम था, और पतझड़ के मौसम में जितने भी पत्तियाँ होती हैं वो पीले पीले रंग की हो जाती हैं। इसके आगे पोएट जो हैं वो निराश हो जाते हैं क्योंकि वो इन दोनों रास्तों पे नहीं जा सकते, उनमें से किसी एक ही रास्ते पे वो जा सकते हैं क्योंकि वो अकेले वहाँ पे हैं। अब एक अकेला आदमी दो रास्ते पे तो नहीं जा सकता ना, किसी एक ही रास्ते पे जा सकता है। इसीलिए पोएट जो हैं वहाँ पे खड़े हो गए और गौर से उनमें से एक रास्ते की तरफ देखने लगे। जितनी दूर तक वो देख सकते थे उतनी दूर तक उन्होंने देखा। उस रास्ते को वो वहाँ तक देख पाए जहाँ पर वो रास्ता जो है मुड़ रहा था, और जहाँ पे वो रास्ता मुड़ रहा था वहाँ पे उन्हें बहुत सारी झाड़ियाँ दिख रही थी। अंडरग्रोथ का मतलब होता है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे या फिर झाड़ियाँ, यानी कि पोएट जो थे वो उस रास्ते के पार क्या है, उस रास्ते के आगे क्या है वो देखना चाहते थे, लेकिन उन झाड़ियों के कारण वो देख नहीं पाए कि वहाँ क्या है। स्टैंजा टू में पोएट कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने दूसरा वाला रास्ता चुना। ये दूसरा वाला जो रास्ता था ये पहले वाले रास्ते की तरह ही था, यानी इन दोनों रास्ते में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं थे। एज जस्ट एज फेयर का मतलब है कि दोनों रास्ते लगभग एक समान ही थे, ज़्यादा फर्क नहीं था। उन्होंने दूसरा वाला रास्ता इसलिए अपनाया, इसलिए लिया क्योंकि शायद ये जो रास्ता था दूसरा वाला रास्ता ये ज़्यादा अच्छा था। ये दूसरा वाला जो रास्ता है वो एक अच्छा विकल्प इसलिए है क्योंकि इस रास्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा घास उगे हुए हैं और इस रास्ते के ऊपर ज़्यादा घिसाव भी नहीं है, यानी कि ज़्यादा लोग इस रास्ते के ऊपर नहीं चले हैं। इसके आगे पोएट जो हैं फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो भी लोग इन दोनों रास्तों के ऊपर चले हैं उन्होंने इन दोनों रास्तों के ऊपर समान रूप से घिसाव किया है, यानी कि पोएट का कहना है कि इन दोनों रास्तों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों रास्ते एक जैसे ही हैं। स्टैंजा थ्री में पोएट कहते हैं कि जिस सुबह वो उन दोनों रास्तों के सामने खड़े थे उस दिन उन दोनों रास्तों के ऊपर पत्तियाँ गिरी हुई थी, और जितनी पत्तियाँ पहले वाले रास्ते पर गिरी हुई थी उतनी ही पत्तियाँ दूसरे वाले रास्ते के ऊपर गिरी हुई थी, और ऐसा देख के लग रहा था कि उस दिन उस सुबह उन दोनों रास्तों के ऊपर कोई भी नहीं चला था, क्योंकि अगर कोई चलता तो वो जो पत्तियाँ होती वो उनके ऊपर पाँव रखता, कोई अगर उसके ऊपर चलता तो उनके ऊपर पाँव रखता, जिसकी वजह से वो कुचल जाते और कुचलने के कारण गंदे हो जाते, काले हो जाते। तो उस सुबह कोई भी उन दोनों रास्तों के ऊपर नहीं चला था। पोएट ने दूसरा वाला रास्ता चुना हुआ है, इसीलिए वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि ये जो पहला वाला रास्ता है वो किसी और दिन आकर इस रास्ते के ऊपर जाएंगे, लेकिन उन्हें ये बात पता है कि अगर वो इस रास्ते के ऊपर चलेंगे तो वो शायद दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक रास्ता किसी और रास्ते के ऊपर जाएगा और ना जाने कितने ही रास्तों के ऊपर, और वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को हम अपने वास्तविक जीवन से भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप 11th में गए होंगे तो आप सोचते होंगे कि हम आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या फिर साइंस ले, और मान लो कि अगर हमने साइंस ले लिया और उसके बाद फिर हम पछताते रहते हैं कि मुझे तो कॉमर्स लेना था या फिर मुझे तो आर्ट्स लेना था, मैंने ये क्यों ले लिया,
तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने जो ओरिजिनल फैसला था वहाँ पे दोबारा नहीं आ पाते हैं, यानी कि काफ़ी मुश्किल होती है कि दोबारा हम किसी चीज़ को चूज़ करें और किसी और रास्ते के ऊपर जाएं। स्टैंजा 4। इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वो कहते हैं कि जब सालों बीत जाएंगे तो वो एक गहरी सांस लेते हुए सबको बताएंगे कि उनके सामने दो रास्ते आए थे और वो दोनों रास्ते एक घने जंगल की तरफ जाते थे और उन्होंने यानी पोएट ने उस रास्ते को चुना जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग चले थे और इसी रास्ते पे जाने के कारण उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हमारे जो पोएट हैं यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो क्या हैं? वो एक कवि हैं, कविता लिखते हैं। और कितने लोग हैं जो एक कवि बनना चाहते हैं? बहुत ही कम लोग। ज़्यादातर लोग जो हैं एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, इन सब में काम करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि एक राइटर या फिर एक पोएट बनना चाहते हैं। और हमारे जो पोएट हैं उन्होंने एक पोएट बनने का सोचा, एक कवि बनने का सोचा, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस रास्ते के ऊपर चलते हैं यानी एक कवि बनने का सोचते हैं। लेकिन हमारे पोएट ने ये किया और इसी के कारण उनकी पूरी ज़िंदगी जो है बदल गई।